नमस्कार भी हेलो साथियों, आपके लिए अपडेट यह है कि गरुड़ा ऐप का फिर से एक और नया वर्जन 4.1.1 आया है, जो कि बिल्कुल अक्टूबर 14, 2022 आप देख सकते हैं कल ही आया है। मुझे खुद यह रोज़ रोज़ बताने में बोरियत महसूस होती है, लेकिन हम क्या करें, पता नहीं ये लोग बार बार अपडेट क्यों लेके आ रहे हैं। और इसमें क्या होगा नया, हम खुद जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं रहेगा, बस हर बार ये लिख देते हैं कि फिक्स्ड सम इश्यूज। ये जो इतने सारे YouTube चैनल्स खबरें फैला रहे हैं कि BLO का रिम्यूनरेशन बढ़ गया है, इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए इसका अध्ययन करते हैं। क्या सच में सैलरी बढ़ा रहे हैं वो BLO की, या फिर बस यूट्यूबर्स का एक नया खेल चल रहा है। ये वो लेटर है जिसे वायरल किया जा रहा है यूट्यूब पे। ECI न्यू दिल्ली मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया एक पत्र है। नीचे आप देख सकते हैं इस पे सेक्रेटरी के साइन भी हैं। मैंने अपनी एक पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि एक बैठक न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसमें सभी राज्यों के CEO आए हुए थे, और इस कमेटी का काम था इंस्टीट्यूशन ऑफ BLO को और मजबूती प्रदान करना। इस कमेटी में क्या क्या बातें हुई थी, इस पे वीडियो हमने बनाई थी। इस कमेटी में यह तय किया गया था कि नए BLOs की अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या दायरे होंगे, और किन किन कैटेगरी के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को BLO नियुक्त किया जा सकेगा और किन को नहीं। इस पे लेटर में उसी कमेटी का ध्यान दिलाते हुए बताया जा रहा है कि कमेटी ने यह महसूस किया था कि मिनिमम रिम्यूनरेशन जो है BLO का, फिर से ध्यान से सुनिए, यह कहा जा रहा है मिनिमम रिम्यूनरेशन जो BLOs का है वो 12,000 और सुपरवाइजर का 24,000 किए जाने के लिए एक प्रपोजल रखा गया है। अधिकतर राज्यों में आप जानते हैं कि 12,000 करके मेट्रो सिटीज और UTs में पहले ही BLOs का रिम्यूनरेशन 12,000 है। तो ये खबर उन सब के लिए तो अच्छी है जिनको मिनिमम रिम्यूनरेशन 12,000 से भी कम मिल रहा था, जैसे पूर्वी पश्चिमी भारत के कुछ राज्य, उनके BLOs के लिए अच्छा होगा कि अब रिम्यूनरेशन है 12,000 हो जाएगी, सुपरवाइजर की 24,000। लेकिन ये केवल अभी प्रपोजल है। आगे देखिए इस लेटर में सेक्रेटरी लिखते हैं कि मैं इस प्रपोजल को लागू करने में जो इम्प्लीकेशन आ सकती हैं उनके लिए सभी CEO से डिज़ायर्ड इनपुट मांगी जा रही है, यानी उनके व्यूज़ और कमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो मिनिमम हमारी कंट्री में BLO और सुपरवाइजर का रिम्यूनरेशन क्रमशः 12,000 और 24,000 हो जाएगा। अब बात करते हैं उन BLOs की जो पहले से ही इस मिनिमम रिम्यूनरेशन को ले रहे हैं, उनके साथ क्या होगा। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में मिनिमम रिम्यूनरेशन 12,000 पहले से ही है। उम्मीद लगा सकते हैं कि सभी जगह पे यदि रिम्यूनरेशन बढ़ाया जा रहा है तो हो सकता है मेट्रो सिटीज़ के BLOs को भी थोड़ा सा रिम्यूनरेशन में इजाफा मिले। बाकी यह खबर अभी पक्की नहीं है, इस पे चुनाव आयुक्त की मोहर नहीं लगी, अभी केवल बैठक के लिए CEOs की कमेंट्स और रिव्यूज मांगे जा रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एनुअल रिम्यूनरेशन को मिनिमम 12,000 तो क्या ही चाहिए। BLO ड्यूटी से जुड़ी हुई सभी सच्ची झूठी खबरों की खाल उधेड़ने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है, ताकि आपको सभी सूचनाएं सीधे सबसे पहले मिल सकें। इसके अलावा भी इस चैनल पर आप देख रहे होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस, चाहे वो 10 साल पुराने आधार को ब्लॉक होने से बचाने की वीडियो हो या कोई अन्य जानकारी हो, हम इस चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।